यहां 2019 में जब उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे तो उनके गौरवमय उपस्थिति में मैंने यहां शिलान्यास किया था और आज फिर से मंत्री बनने के बाद पहला उद्घाटन भी मैं IGIMS के इस दर्ज में कर रहा हूं। कैंपस का चक्कर लगाएंगे तो आप पाएंगे कि विकास के हर मील पत्थर पर वहां कहीं न कहीं NDA सरकार का नाम दर्ज है और वही विकास की कहानी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने IGIMS पटना के आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण करीब 188 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस दौरान JP नड्डा ने अपने संबोधन में कहा, जब मैं 2019 में स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने आखिरी आधारशिला यहीं नेत्र रोग विभाग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में रखी थी। एक बार फिर मंत्री बनने के बाद पहला उद्घाटन मैं यहां IGIMS में कर रहा हूं। ये मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं अपना ये सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान के इस संस्थान में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहां पर ये ऑप्थल्मोलॉजी के इस नए भवन का और नए डिपार्टमेंट का इसका श्री गणेश करने का सौभाग्य भी मिला। मैं इस गौरवमय संस्थान प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट यहां आने पर गौरवान्वित भी महसूस करता हूं और साथ ही साथ बहुत ही खुशी भी मुझे हो रही है कि मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। एक बहुत ही कोइंसिडेंस भी है। कोइंसिडेंस ऐसा है कि जब मैं पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री था 2019 में तो अंतिम शिलान्यास मैंने यहीं इसी ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट का यहां 2019 में जब उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे तो उनके गौरवमय उपस्थिति में मैंने यहां शिलान्यास किया था और आज फिर से मंत्री बनने के बाद पहला उद्घाटन भी मैं IGIMS के इस दर्ज उसमें कर रहा हूं। यह मुझे सौभाग्य मिला है। मित्रों, अभी सम्माननीय नीतीश जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने IGIMS के इतिहास के बारे में प्रकाश डाला है। अगर हम गौर से उनकी बात को याद रखें तो ध्यान में आएगा कि इस इंस्टीट्यूट का भी, स्वास्थ्य विभाग का भी और बिहार के विकास की भी कहानी और विकास के मील पत्थर और उसको आगे विकसित करने की योजना जो कुछ भी हम सबको आज देखने को मिलती है उसकी कहानी 2005 से शुरू होती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इस इंस्टीट्यूट के भी इतिहास को खंगालेंगे और आप ध्यान से देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि IGIMS 1983 से 2005 तक यहां विकास की क्या गति थी और 2005 से लेकर के 2024 तक विकास ने किस तरीके से एक लंबी छलांग लगाई है, यह भी आपको पास दिखने को मिलता है। आप जब भी इस कैंपस का चक्कर लगाएंगे तो आप पाएंगे कि विकास के हर मील पत्थर पर वहां कहीं ना कहीं NDA सरकार का नाम दर्ज है और वही विकास की कहानी कहता है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और BJP अध्यक्ष JP नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। इस दौरान वो मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में भी कई स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।